दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेड लाइसेंस क्या होता है और इसकी कब ज़रूरत होती है या इसे आप कैसे ले सकते हैं? अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपने हमारी लास्ट से लास्ट वीडियो भी देखी होगी, जिसमें हमने बताया था कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस क्या होता है और कैसे लिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हमें काफ़ी मेल्स मिली, जिनमें से ज़्यादातर मेल्स में पूछा गया था कि मैडम, ट्रेड लाइसेंस और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस दोनों सेम ही तो होते हैं या फिर दोनों अलग होते हैं, और दोनों अगर अलग होते हैं तो ट्रेड लाइसेंस कैसे अलग है उससे या कैसे हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये दोनों लाइसेंस अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस एंड ट्रेड लाइसेंस में क्या डिफरेंस होता है, एंड ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, कैसे आप ले सकते हैं और कब कब आपको लेना होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट होता है जो एप्लीकेंट को परमिशन देता है कोई पर्टिकुलर बिजनेस या ट्रेड स्टार्ट करने की इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, और ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद एप्लीकेंट सिर्फ उसी ट्रेड या बिजनेस को कर सकता है जिसके लिए लाइसेंस मिला है, किसी और ट्रेड एक्टिविटी को वो नहीं कर सकता। तो ये एक्सक्लूसिव बेसिस पे होता है। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस में क्या डिफरेंस होता है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस पर हम पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या शॉप ओपन करना चाहता है तो उसे अपने बिजनेस को लोकल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराना होता है, और इसी को हम शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस कहते हैं। जबकि ट्रेड लाइसेंस वो परमिशन होती है जो आपको किसी पर्टिकुलर बिजनेस या ट्रेड को किसी पर्टिकुलर एरिया में करने के लिए दी जाती है। दोस्तों, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तब भी आपको लेना होता है, बट ट्रेड लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रीमाइसेस में ही जब आप बिजनेस रन करते हैं तब लिया जाता है। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस इसलिए लिया जाता है ताकि सरकार इस बात पर नज़र रख सके कि कोई भी इंडिविजुअल अनएथिकल बिजनेस तो नहीं रन कर रहा या कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। जबकि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस मेनली स्मॉल ट्रेडर्स और शॉप ओनर्स को लेना होता है किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को करने के लिए। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस की मेनली ज़रूरत होती है ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स को जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन, फूड स्टॉल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, साइबर कैफे एक्सेट्रा। जबकि शॉप एस्टैब्लिशमेंट हर उस शॉप और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी होता है जो बिजनेस कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी लीगल बिजनेस एंड सर्विस एक्टिविटी के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि शॉप एस्टैब्लिशमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल अनऑर्गेनाइज सेक्टर। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ को वर्किंग कंडीशंस को लेकर, जैसे कि वर्किंग आवर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स, वेजेस रेट्स, वीकली हॉलीडेज एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ट्रेड लाइसेंस और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ट्रेड लाइसेंस एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस वो लाइसेंस होता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इशू किया जाता है, और ये आपको ऑथराइज करता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन। आइए अब जानते हैं कि ट्रेड लाइसेंस क्यों ज़रूरी होता है या क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि ट्रेड लाइसेंस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इशू किया जाता है, एंड ये रेगुलेटेड होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ट्रेड लाइसेंस इंश्योर करता है कि आप जो बिजनेस करने वाले हैं उससे किसी तरह के न्यूसेंस या हेल्थ हैजार्ड यानी कि स्वास्थ्य को खतरा पैदा नहीं होगा। ट्रेड लाइसेंस से ये इंश्योर किया जाता है कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो उसी पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं जहाँ किया जाना चाहिए,
एंड कोई अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस आप रन नहीं कर रहे हैं। इस लाइसेंस से सोसाइटी में एक हार्मनी क्रिएट होती है कि हर बिजनेस ज़रूरी रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करता है और सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहा है। इस लाइसेंस का कोर ऑब्जेक्टिव है लोगों को कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को होम लोकेशंस के पास रन करने से रोकना, जिससे कि आसपास का एनवायरनमेंट सही रह सके। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि कौन इशू करता है ट्रेड लाइसेंस। दोस्तों ट्रेड लाइसेंस इशू करा जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, जैसे कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ट्रेड लाइसेंस को स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स गवर्न करते हैं, इसीलिए ये रूल्स वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। आइए अब जानते हैं कि कितनी तरह के ट्रेड लाइसेंस होते हैं, या यूँ कहें कि ट्रेड लाइसेंस की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो दोस्तों ट्रेड लाइसेंस मेनली तीन तरह के होते हैं, इंडस्ट्रीज लाइसेंस, शॉप लाइसेंस एंड फूड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। अगर हम इंडस्ट्रीज लाइसेंस की बात करें तो इसके अंदर आते हैं स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। शॉप लाइसेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं डेंजरस एंड ऑफेंसिव ट्रेड्स लाइक अ सेल ऑफ फायरवुड, क्रैकर मैन्युफैक्चरर, कैंडल मैन्युफैक्चरर, बार्बर शॉप, धोबी शॉप एक्सेट्रा। फूड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस की अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फूड स्टॉल, कैंटीन, द सेल ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, बेकरीज एक्सेट्रा। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रेड लाइसेंस तो हमने बता दिए, आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि ट्रेड लाइसेंस लेने की मेन एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेंट को 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, एप्लीकेंट का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और जो बिजनेस है आपका, जो आप कर रहे हो, जिसके लिए आप ट्रेड लाइसेंस ले रहे हो, मस्ट बी लीगली परमिसिबल, लॉफुली आप उस बिजनेस को कर सकते हो, परमिसिबल एक्टिविटीज़ में आता होना चाहिए। तो दोस्तों टाइप्स हो गए, एलिजिबिलिटी भी हो गई, आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेड लाइसेंस स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड फीस कितनी होगी, रिन्यूअल प्रोसेस क्या होगा, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं। बट इन जनरल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये हम आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, ये आपको सबमिट करनी होगी। अगर एप्लीकेंट कोई फॉर्म है, LLP है या कंपनी है, तो उनका पैन कार्ड और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर जो एप्लीकेंट है वो इंडिविजुअल है तो उसका आधार कार्ड मैंडेटरी है। लेटेस्ट म्यूनिसिपलिटी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट रिसीट होनी चाहिए, लीज डॉक्यूमेंट्स और कंसर्न लेटर फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होने चाहिए, NOC फ्रॉम योर इमीडिएट नेबर होना चाहिए, ए सर्टिफाइड लेआउट प्लान ऑफ योर ट्रेड बिल्डिंग शोइंग द बिजनेस वर्किंग और वॉशिंग और रेस्टिंग एरियाज, ये होना चाहिए, सेंक्शन प्लान होना चाहिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। दोस्तों अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो ट्रेड लाइसेंस लेने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं मेट्रो सिटीज़ में, और वो भी तब अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक ठीक फाइल करे हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ कर दी, कोई मिस्टेक कर दी है या कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है, तो इसे लेने में 35 से 45 वर्किंग डेज लग जाते हैं। आइए अब बात करते हैं ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल के बारे में। दोस्तों स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें तो इंडिया में ट्रेड लाइसेंस 1 जनवरी से 31 मार्च तक रिन्यू किए जाते हैं। ट्रेड लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल होती है और इन्हें हर साल रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल की एप्लीकेशन आपको इसकी एक्सपायरी के विदिन 30 डेज सबमिट कर देनी चाहिए। अगर रिन्यूअल प्रोसेस डिले हो गया तो आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। आइए अब जानते हैं कि रिन्यूअल के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ट्रेड लाइसेंस आपको सबमिट करना होगा, प्रीवियस ईयर्स के चालान्स आपको सबमिट करने होंगे, अप टू डेट प्रॉपर्टी टैक्स पेड रिसीट्स आपको देनी होगी। आइए दोस्तों अब लास्ट में ट्रेड लाइसेंस से जुड़े कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं।
पहला जो एन मेन बात आती है वो ये कि ट्रेड लाइसेंस म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है और एक्सक्लूसिवली ट्रेड और बिजनेस के लिए इशू किया जाता है, और जिस ट्रेड और बिजनेस के लिए ये इशू किया गया है एप्लीकेंट को उसी ट्रेड और बिजनेस को करने की परमिशन होती है, कोई और बिजनेस वो रन नहीं कर सकता। रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो ट्रेड लाइसेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट मैटर है। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये भी वेरी करता है कि कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं और कौन से लाइसेंस के लिए, यानी कौन से टाइप ऑफ लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके बिजनेस का नेचर क्या है। दोस्तों, अगर आपने ट्रेड लाइसेंस ले रखा है तो आपकी बिजनेस की गुडविल बढ़ जाती है कंपैरिजन में एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी के, और आप ज़्यादा कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये ट्रेड लाइसेंस ये भी इंश्योर करता है कि आप एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस रन कर रहे हैं और सारे सेफ्टी मेजर्स और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन अप्लाई नहीं करता है लाइसेंस के लिए अंडर द लॉ, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और बिजनेस भी बंद करा जा सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि ट्रेड लाइसेंस कितना ज़रूरी होता है और ये शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस से कितना अलग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कहाँ से लेना होता है और क्यों ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए हमारे व्यापार मंच फैमिली का एक अटूट हिस्सा। थैंक यू।